हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे फिर से। हमने लास्ट टाइम एक एलो सॉकेट रेटिना पेशेंट का केस देखा था, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल केस। उसके साथ आज एक केस करेंगे। ये केस मेरे डैड के क्लिनिक का है। एक्चुअली मैं वहाँ वीक में एक बार संडे को बैठता हूँ, एंड वो बच्चे को उसकी मदर पिछले एक महीने से दवा करवा रही है। ठीक है, पहले किसी और के पास थी, फिर मेरे डैड के पास आई और फिर मेरे डैड से दवा ली। उसको क्या हुआ था, उसको यहाँ गम्स के पास यहाँ इतना बड़ा सिस्ट हो गया था। तो वो दवा खाने के बाद इतना बड़ा सिस्ट, ये गम्स के ऊपर, ये गम्स के अंदर इतना बड़ा सिस्ट था। तो फिर उसने एक सिस्ट यहाँ था और एक सिस्ट उसके टंग पे था। तो पिछले उसको पता नहीं 3-4 महीनों से वो था। तो उसकी मदर, एक दिन उसकी मदर ने देखा और उसको मदर को कंसर्न हुआ कि ये क्या हो गया है। और वो लड़के को पिछले 3-4 महीने से, मगर उसका कोई, उसको वो उसका कुछ टेंशन ही नहीं ले रहा है। सो उसकी मदर वो लेके फिर दवा कर रही थी। तो यूजली मैं संडे बैठता हूँ और वो जस्ट आई और नॉर्मल दवा लेने ही आई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर ये देखो, ये इसको यहाँ एक जीभ के ऊपर और एक इसके यहाँ ओठ के पास इतना बड़ा सिस्ट है। दवा लेती हूँ तो वो बैठ जाता है, पूरा नहीं बैठता है मगर थोड़ा दब जाता है और फिर वापस से उभर जाता है। तो अपने लड़के को लेके आई। तो उसका लड़का, मतलब दोपहर के मेरे ख्याल से 12 बज रहे थे एंड वो लड़की आया छोटा सा हाफ शॉर्ट पहन के, टी शर्ट एकदम गंदा, ठीक है, गंदा टी शर्ट पहना है, बाल एकदम ऐसा लगता है कि अभी बस कहीं से उठ के या सो के कहीं, मतलब एकदम ऐसे उठा के लाया उसको। ना बाल उसका, ना बाल कोम है, ना ड्रेस प्रॉपरली है एकदम। और दोपहर के 12 बजे, तो मैंने बोला क्या नहाया नहीं अभी तक? तो बोला नहीं। तो उसकी माँ बोली सर ये इसका ऐसे ही है, ये नहाता ही नहीं, इतने इसको कितना बोलना पड़ता है नहाने के लिए, आप देखो 12 बज रहे हैं, ये अभी ऐसे उठ के मेरे को लाना पड़ा इसके सामने, इसको कुछ पड़ी नहीं है, मतलब ये कैसा, इसका हालत देखिए, ये कैसा बना लिया इसने, इसका चेहरा देखे कैसा हो गया है, और चेहरे पे उसको दाने दाने फोड़े, मतलब पिंपल्स थे उसको। और मैंने बोला कि क्यों, मतलब क्यों नहीं नहाते? सर नहाऊंगा, अभी सोच रहा था नहाने के लिए। सर ये ऐसे ही करता है, ये हर चीज़ ऐसे ही डालता है, अगर कोई बात बोलूँ तो हाँ करूँगा, कल कर दूँगा, ठीक है जाऊँगा। तो मैं इतने दिन से उसको दवा के लिए बोल रही थी, तो बोला जाऊँगा आज, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, ये ऐसी हर चीज़ों को टालते जाता है। तो फिर मैं ही उसको पकड़ के अब दवा के लिए लेके आ रही हूँ। तो इसको तो कुछ नहीं, पर मुझे टेंशन हो रहा है कि कुछ ये ना हो जाए। तो मैंने उसको पूछा कि क्या लग रहा है तुझे, मतलब ये जो आया है कब से है? बोले सर मुझे तो है काफ़ी समय से, मगर मैं ध्यान नहीं दिया उसके बारे में, तो इतना नहीं सोच रहा था। तो फिर मम्मी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा गांठ है, दवा करवाना पड़ेगा नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं दवा इसके लिए लेने, मतलब दवा लेने आया हूँ। तो मतलब उसका एकदम कपड़ा एकदम गंदा, बाल कोम नहीं है, मतलब उसको कोई टाइम का एहसास ही नहीं है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं और वो क्या कर रहा है। तो उसकी माँ बोली सर ये एक तो ये 12th फेल हो गया है, मैं बोल रही हूँ वापस से एग्ज़ाम दे पढ़ने के लिए, मगर इसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये दिन भर बस उन्हीं बाहर और लड़कों के साथ घूमता रहता है, हम कितना बोले हमारी तो बात ही नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है, और अभी बोलता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरा ये नहीं है मन पढ़ने का नहीं है। तो हम चाहते ये पढ़ ले मगर ये पढ़ने को तैयार नहीं, सुनता ही नहीं हमारी बात। सो मैंने बोला कि इसको लेके क्या कंसर्न है, मतलब ये जो दर्द है तुझे दिक्कत हो रही है कुछ? बोले मुझे कुछ दिक्कत नहीं है सर, मुझे बस ये है, उसमें दर्द भी नहीं है मुझे, तो वो दवा खाता हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, बाद में फिर से ऐसा उतना बड़ा आ जाता है, तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है उसमें। तो मैंने बोला और कुछ दिक्कत? बोले और सर मुझे बस यही लग रहा है कि मेरा जो शरीर, मेरा बॉडी है ना पूरा काला हो गया पहले से, मतलब पहले तो मेरा तो नहाता ही नहीं है। तो 12 बजे नहाएगा तो मेरा शरीर काला ही रहेगा। नहीं सर मतलब तो मैं अभी कुछ दिनों से ऐसा, मतलब ऐसा हो गया है, मगर ये तो मेरा पहले से ही है कि मेरा शरीर, मुझको लगता है मेरा शरीर पहले से काला हो गया है, मतलब काला हो गया है, मतलब उतना पहले जैसा था वैसा नहीं है, पूरा शरीर मेरा देखो ना, चेहरा अब काला हो गया है। तो मैंने बोला कि तू थोड़ा प्रॉपर टाइम पे नहा, प्रॉपर उसको ये करेगा, बॉडी को देगा टाइम, तो बॉडी अच्छी दिखेगी ना, ऐसे तो काली दिखेगी। हाँ हाँ सर करूँगा कल से करूँगा। तो उसकी माँ सर ये कल से भी नहीं करेगा, ये ऐसा बोल रहा है आपको, ये करेगा नहीं कुछ भी। तो मैंने बोला देखें मुझे बताइए जैसा रहेगा तो मैं दवा देता हूँ। सो मैंने उससे एक हफ्ते का दवा दिया, 1 वीक के बाद मैंने उसे बुलाया, 1 वीक के बाद मुझे बताना कितना कम होता है। तो मैंने 30 का उसको एक सिंगल डोज दिया,
एंड एक वीक का मेडिसिन दिया, तो 30 उसके एक वीक के बाद वो आया, उसके दोनों सिस्ट एकदम डिजोल्व हो गए थे, जो टंग का था इट्स वर टोटली क्लियर, ये जो लिप्स का था थोड़ा बचा था, तो नेक्स्ट वीक में वो भी क्लियर हो गया। तो 2 महीना ये मेरे पास ये बच्चा रहा, ये लड़का, उसके बाद वो ठीक हो गया, और उसके बाद दवा देने के बाद वो काम पे लग गया, उसको पढ़ना नहीं था और वो सुबह उठना चालू कर दिया, नहाना चालू किया और वो काम पे लग गया, तो इतना अच्छा उसके अंदर बदलाव आया। सो इस केस में देखने लायक बात क्या है कि आप देखोगे कि 12 बज रहे हैं, अब ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए 12 बज रहा है, आपको पता है कि ये टाइम कोई यूजुअल टाइम नहीं है, 12 बजे मतलब एक पीक टाइम है, एक पीक टाइम में बच्चा एक आध लड़का सो रहा है, ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, 12 बजे उठ रहा है, उसको उठा के बस इससे उठा और क्लिनिक में आ गया, तो ये क्या है, इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, अब उसको कुछ पड़े नहीं उसके पर्सनल अपीयरेंस की, उसको कुछ ये नहीं लग रहा है कि 12 बजे क्लिनिक में जा रहा है, किसी डॉक्टर के सामने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कि उसे कैसा चड्डी पहन के, बंडी पहन के, गंदा सो के, आंखें एकदम ऐसी भरी पड़ी, बाल एकदम झाड़ा नहीं, नहाया नहीं, आके बैठ गया क्लिनिक में, बस चलो कुछ तो करना है, उठा के लाया, उसकी माँ उठा के लाई, मतलब उसको कोई पड़े नहीं, तो एक तो फ्रिवलस है, ऊपर से एक इनडिफरेंस टू हिज पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, ठीक है, एंड द थर्ड रूब्रिक इज पोस्टपोन्ड एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे, वो क्या करता, वो हर चीज़ को टाल देता, करूँगा कल, करूँगा परसों, करूँगा नर्सों, करूँगा, तो एक रूब्रिक है पोस्टपोन्ड द थिंग टू द अनदर डे, तो नेक्स्ट डे पे वो टाल देता है, ठीक है, फ्रिवलस है, और एक फ्रिवलस और इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस अबाउट और पोस्टपोन्ड थिंग टू नेक्स्ट डे। और मैंने उसको पूछा कि क्या कंसर्न लग रहा है इसको लेके, तो बोल रहा सर मेरा स्किन है ना काला हो गया, उसको ये कंसर्न है कि उसका स्किन पहले ऐसा नहीं था अब ब्लैक हो गया है, तो डिल्यूजन बॉडी इट इज़ ब्लैक, हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन बॉडी इट इज़ ब्लैक, सिंगल मेडिसिन सल्फर है उसके अंदर, तो इसको देख के ही मुझे लग गया कि ये सल्फर ही है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन था वो उसमें ही मैंने उसको देखते ही मैंने उसको डायरेक्ट पूछा कि तू नहाया नहीं, ठीक है, तो सल्फर वाले नहाने से थोड़ा कतराते हैं, ठीक है, डर्टी रूब्रिक है, ठीक है, डर्टी है, इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस अबाउट है, उसको कुछ पड़े नहीं ना, 3 महीने 4 महीने से इतना बड़ा सिस्ट लेके टंग पे, जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बोला कि ये क्या है, मगर उसको कोई कंसर्न नहीं है ना, तो वो उसको लेके कितना फिक्रमंद है वो तो उसके चेहरे से समझ में आ गया, तो फ्रिवलस एटीट्यूड है टूवर्ड द डिजीज़, इसका मतलब ये फ्रिवलस बंदा है, और अपने पर्सनल अपीयरेंस को लेके कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, किस समय जा रहा है, कौन से समय क्या करना चाहिए, उसको इतनी भी समझ नहीं है, तो इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, तो ये रूब्रिक्स और मैंने बाकी के रूब्रिक्स लगा के उसे सल्फर 30 का डोज दिया, एंड 30 देने के बाद ही जो इतने दिन में वो कवर नहीं कर रहा था, अपने एक सिंगल डोज देने के बाद उसका 2 वीक्स के अंदर टोटल उसके दोनों सिस्ट क्लियर हो गए, ठीक है, और उसके बाद वो मेडिसिन 2 मंथ के बाद वो खुद ही मेडिसिन उसकी माँ ने बंद कर दिया, और वो 21 दिन बाद दवा लेने अपने लिए आई थी, और उसने बताया कि वो भी सर उसके बाद उसको वापस तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, तो सल्फर 30 देने के बाद ये केस, ये सिस्ट का केस निकल गया। तो हमें बहुत प्रॉपर ऑब्जर्वेशन देखना है ईच एंड एवरी केस में, पेशेंट क्या करता है, कैसे आता है, ठीक है, उसका कंसर्न क्या है, हमें हर केस में वो चीज़ देखना ही है, और कुछ चीज़ें तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाती है कि पेशेंट क्या है, उसका हाव भाव क्या है, उसका शरीर, उसका हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो मेंटल सिम्टम है ना इज़ नॉट टू बी आस्क्ड, इट शुड बी ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपर करते हो तो हमें मेंटल सिम्टम पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें बहुत सारे केसेस में ऐसे हैं कि जहाँ पेशेंट को देखते ही उसके ऑब्जर्वेशन से उसे समझ में आ जाता है कि ये उस तरीके की मेडिसिन है, तो हम उसे ऑब्जर्वेशन पे ही मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, बाकी एवरी केस में हमें उसको हिस्ट्री लेनी पड़ती है, कुछ केस में हमें बहुत डिटेल देना पड़ता है कि हमें तुरंत मेडिसिन नहीं पकड़ में आती है, ठीक है, कुछ एकदम डीप पैथोलॉजिकल केसेस में हमें उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि उनके साथ उनका IPR देखना पड़ता है, उनका सारा फैमिली हिस्ट्री देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम, मगर प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, तो आपको बहुत जल्दी मेडिसिन तक पहुंचा देगी, ठीक है, तो यहाँ मैंने उसे सल्फर दिया एंड सल्फर के बाद वो ठीक हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक नए रूब्रिक्स और नए केस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।